और आज बेपनाह जरूरत है कि मुसलमान अल्लाह की रहमत को तलब करें, क्योंकि मुसलमानों के खिलाफ इस वक्त तो पूरी दुनिया के अंदर हालात बद से बदतर हो रहे हैं। आपको मालूम होगा, मुल्क शाम हो या यमन हो, मुल्क शाम के हालात ये हैं कि मैंने उनकी ज़िंदगी पढ़ी, शाम के हालात इंटरनेट पर देखे तो पता चला कि मुल्क शाम के मुसलमान अपने बच्चों को घोड़े की घास खिलाने पे मजबूर हो गए। इस वक्त उनको रोटी का भी मसला है, रोटी के टुकड़े को वो तरस रहे हैं। यमन के अंदर हाल ये है कि चंद हफ्तों पहले 90,000 मुसलमान 90,000 मुसलमान फाका कशी का शिकार थे, फाके का शिकार थे। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, कश्मीर का हाल ये है कि 4,000 मुस्लिम नौजवानों की आंखों में गोलियां मारकर उनको अंधा कर दिया गया। आप सोचें, अगर इंसान को डायरेक्ट कत्ल कर दिया जाए तो वो मर जाता है तो घर वालों को सब्र हो जाता है, लेकिन अगर उसकी आंख में गोली मार के अंधा कर दिया जाए तो ना अब वो घर वालों के काम कर रहा, ना वो बीवी बच्चों के काम कर रहा, बल्कि उसका हाल क्या होगा, अब वो अपने घर वालों पे बोझ बन जाएगा। यानी इस्लाम दुश्मन ताकतें पूरी दुनिया के अंदर मुसलमानों को भिखारी बनाने के चक्कर में हैं, मुसलमानों से रोजी रोटी के हवाले से इस कदर तंग दस्त कर देना चाहते हैं कि मुसलमान किसी तरह से भी उठ करके खड़ा ना हो सके। ये क्यों होता है? अल्लाह कुरान में फरमाता है, वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम, कि तुम पर जो भी मुसीबत आती है वो तुम्हारे बुरे अमल के सबब से आती है। जब अल्लाह की रहमत रूठ जाती है तो मुसलमान रोटी के टुकड़ों को तरस जाते हैं, जब अल्लाह की रहमत रूठ जाती है तो मुसलमानों से उनका वकार छीन लिया जाता है, जब अल्लाह की रहमत रूठ जाती है तो मुसलमानों की इज्जत और आबरू पे हमला किया जाता है, जब अल्लाह की रहमत रूठ जाती है तो इज्जत जिल्लत में तब्दील हो जाती है, जब अल्लाह की रहमत रूठ जाती है तो बहारे खिजा में तब्दील हो जाती है, जब अल्लाह की रहमत रूठ जाती है तो खुशियां गमों में तब्दील हो जाती है, जब अल्लाह की रहमत रूठ जाती है तो दस्तरखान की बहारें रूठ करके जो है वो तंग दस्ती और फाका कशी के अंदर इंसान को मुब्तला कर देती है। ऐसे हालात के अंदर मुसलमानों को दावतें फिक्र दी जाती है कि जब अल्लाह की रहमत रूठ गई है तो आओ हम कहां जाएं, किसके दर पे जाएं, किसकी चौखट पर जाएं, क्या अल्लाह के सिवा कोई उस जैसा करीम है, उस जैसा कोई करम करने वाला है, उस जैसा कोई रहम करने वाला है? खुदा की इज्जत की कसम, मेरे अल्लाह से बढ़कर न दुनिया में कोई रहम करने वाला है, न कोई करम करने वाला है। अल्लाह ये शबे बरात, शबे मेराज, शबे कद्र क्यों अता करता है? इसलिए अता करता है, मेरे बंदो अगर तुमने गुनाह कर लिया है तो गुनाह करना तुम्हारा काम था, मैं गफ्फार हूं, लो मैं तुम्हें शबे बरात देता हूं ताकि तुम आकर के तौबा कर लो, मैं तुम्हें माफ कर दूं, मैं तुम्हें शबे मेराज देता हूं, तौबा कर लो ताकि मैं तुम्हें माफ कर दूं, मैं तुम्हें शबे कद्र देता हूं, तौबा कर लो ताकि मैं तुम्हें माफ कर दूं। इसलिए कि खुदा की रहमत बहाने तलाश करती है, खुदा की रहमत बहाना ढूंढती है कि मेरा बंदा किसी तरह से मेरी बारगाह में पलट कर आए तो मैं उसके दिन पलट दूं, मैं उसको बहारे अता कर दूं, मैं उसको खुशियां अता कर दूं। और मुसलमानों याद रखो, हमारे मसाइल का हल किसी सियासी लीडर के दरवाजे पर नहीं, हमारे मसाइल का हल अल्लाह अकबर किसी मालदार की चौखट पर नहीं, हमारे मसाइल का हल किसी एजुकेटेड के पास नहीं, हमारे मसाइल का हल है तो अल्लाह की चौखट पर है। कल भी मुसलमान के मसले का हल अल्लाह की चौखट पर था और आज भी मुसलमान के मसले का हल खुदा की चौखट पर है। हमें अल्लाह के करीब होना होगा, हमें अल्लाह के करीब आना होगा। अल्लाह फरमाता है, फफिर्रू इलल्लाह, कहां जा रहे हो? दौड़ो अल्लाह की तरफ, वापस पलटो अल्लाह की तरफ। आज हम रो रो कर अपने रब को मनाएंगे, आज हम अपने रब को राजी करके ही उठेंगे। अगर हमने अपने अल्लाह को राजी कर लिया तो हमारे दिन पलट जाएंगे, हमारी परेशानियां दूर हो जाएगी, हमारी मुश्किलें आसान हो जाएगी। हर आदमी
آج افسردہ ہے، غمگین ہے، پریشان ہے، خود مالیگاؤں کے کاروباری حالات کس قدر بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں، ہر بڑا بیوپاری ہو یا چھوٹا مزدور سب لوگ بے چین ہے، لیکن کوئی گناہ چھوڑنے تیار نہیں ہے۔ گناہ چھوڑ دو، اپنے رب کی طرف پلٹو۔ میں بہت لمبی تقریر نہیں کروں گا کیونکہ یہ وقت دعا کا ہے، تقریر تو آپ ہمیشہ میری سنتے ہی رہتے ہیں۔ صرف اللہ کی رحمت پر مضبوط یقین ہو جائے، دو تین باتیں کر کے پھر ہم دعا کی طرف آتے ہیں۔